सारण पुलिस को बहुत बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है, जहां एसआईटी के द्वारा 12 घंटे के अंदर 37 केजी चांदी लूटकांड का पटाक्षेप करते हुए 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अपराधियों के पास से पुलिस ने 37 केजी सिल्वर के आभूषण भी बरामद कर लिए हैं। इस मामले में एसपी ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना के बाद पुलिस ने एसआईटी टीम गठित किया और ठीक 12 घंटे के अंदर अंदर माल को बरामद कर लिया गया और 24 घंटे के अंदर इस घटना में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तारी कर ली गई है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, एक चाकू और 7 मोबाइल भी बरामद किया गया है। इस मामले में एसपी ने बताया कि इस उद्भेदन कांड में सम्मिलित सभी पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा। सारण जिला अंतर्गत तरियापुर थाना में कल ये घटना घटित हुई थी, कल 19 तारीख को, जिसमें कि एक जितेंद्र कुमार जायसवाल हैं जो कि कोल्हापुर से, महाराष्ट्र से चांदी के आभूषण लेकर आ रहे थे और ये दानापुर से छपरा एक टेम्पो से आ रहे थे। इसी क्रम में पीछे से ओवरटेक करके दूसरे टेम्पो पर कुछ अपराधकर्मी थे जिनके द्वारा इनको ओवरटेक किया गया। फिर इन पर जो है चाकू से हमला करके, पिस्तौल दिखा करके और मिर्च का पाउडर भी छीट करके इस घटना को कारित की गई और पूरा का पूरा ये कुल जो लगभग 37 किलोग्राम चांदी के आभूषण जो है वो लूट लिए गए। ये घटना बड़ी थी और त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने एसडीपीओ सोनपुर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया, जिसमें जिले के DIU एवं अन्य जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनको सभी को लगाया गया। लगातार हम लोग इस पर तकनीकी एवं मानवीय स्रोत से आसूचना संकलन करते हुए और साक्ष्य संकलन करके इस कांड का हम लोगों ने बहुत जल्द 6 घंटे के अंदर ही उद्भेदन कर लिया था और 12 घंटे के अंदर इस कांड में सभी अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कि 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और कुल 100% बरामद भी है। पूरे जेवरात में 37 किलोग्राम जो चांदी के आभूषण थे सभी बरामद कर लिए गए हैं। इस प्रकार इस कांड का 12 घंटे के अंदर पूरी तरह से पटाक्षेप हो गया। ये जब वो दानापुर से निकले थे, उससे पहले जब ये यहाँ से चले थे छपरा से, उसी समय इन लोगों ने पहले से ही साजिश कर लिया था, क्योंकि इसको जो टेम्पो चालक है, जो इनका पूर्व से रहा है, वो हमेशा से जो है उनको जानकारी ये देते थे, पूरी तरह से उस पर विश्वास करते थे कि उनके पास क्या वो लेकर आ रहे हैं, कब लेकर आ रहे हैं, तो इनको पूरा समय पता था और उसी के द्वारा जो है पूरे सभी लोगों को पहले से सूचित करके इनके पीछे उनको लगाया गया। जो अपराधी पकड़े गए हैं सर, क्या पुरानी उनका इतिहास है कुछ? देखिए, अभी घटना हुए जो है 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, अनुसंधान ये चल रहा है, इनसे पूछताछ भी की जा रही है, इनका आपराधिक इतिहास भी निकाला जा रहा है और जो भी नए तथ्य आएंगे तो उनको भी हम लोग आपके सामने रखेंगे। फिलहाल जो बरामदगी है, जैसा कि मैंने बताया, लूटे गए चांदी के आभूषण का 100% बरामदगी है, जिसमें 37 किलोग्राम है और विभिन्न प्रकार के हैं, इनका इनवॉइस भी इनके पास है जिससे मिलान भी कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया, घटना में प्रयुक्त मोबाइल 7 बरामद किए गए हैं, घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा 1 और कारतूस 2 बरामद कर लिया, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, कुछ लोग इसके आगे पीछे टेम्पो के मोटरसाइकिल से भी उसका रेकी करते हुए या उसको सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो मोटरसाइकिल भी बरामद हो गया और घटना में जो प्रयुक्त इन्होंने टेम्पो किया था, ये पहली ऐसी घटना थी जिसमें टेम्पो को ओवरटेक करके टेम्पो के द्वारा ये घटना कारित की गई, तो उसको भी बरामद कर लिया गया। तो इस प्रकार ये काफ़ी सराहनीय कार्य टीम के द्वारा की गई है और हम लोग इस पूरी टीम को पुरस्कृत करने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी अनुशंसा भेजेंगे और सभी जो है बधाई के पात्र हैं।